आपने जो अभी ये बलून फोड़ने वाली ट्रिक देखी ना, इसे बस पेट्रोल छिड़क कर किया जाता है। अब जैसे हर मशीन के पीछे एक मैकेनिज्म होता है, वैसे ही हर एक मैजिक के पीछे एक मैकेनिज्म होता है, बस देर है उस मैकेनिज्म को समझने की। लाइक आप खुद ही देख लो कि कैसे ये जादूगर गिलास में रखे दूध को बड़े वाले गिलास में डालकर बढ़ाता ही जा रहा है। लेकिन जरा इस गिलास के मैकेनिज्म को तो देखो। आप देख रहे हो कैसे इस गिलास के बीच में एक सिलेंड्रिकल बॉक्स बना हुआ है जो दूध को सिर्फ किनारे में गिरा कर हमारा माइंड ब्लोइंग कर रहा है। तो यारो चलो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम ऐसे ही फेमस मैजिशियन के मैजिक के बारे में जानते हैं। नंबर वन। तो यारो क्यों ना वीडियो के स्टार्ट में ही हम दुनिया के सबसे बड़े मैजिशियन यानी डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक के बारे में जानें। दरअसल 2017 में एक पॉपुलर अमेरिकन नाइट शो के दौरान हमारे डॉक्टर साहब ने एक वाटर बॉटल वाली एक मैजिक की थी। अब बस इतना ही नहीं, इसके बाद भी हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो पानी डॉक्टर साहब ने कप में डाला वो अचानक से गायब हो गया। तो आखिर ये कैसे हुआ? क्या डॉक्टर साहब सच में काठमांडू में जाकर मैजिक सीख के आ गए? वेल, अगर ऐसा होता तो काफी बढ़िया होता, बट ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हमें ढक्कन बनाने के लिए उन्होंने इस मैजिक में एक ढक्कन का इस्तेमाल किया। तो दरअसल 2017 के नाइट शो के पहले भी डॉक्टर साहब ने ये ट्रिक 2016 में वैनिटी फेयर के यूट्यूब चैनल में की थी, जिसमें आप यहां पर साफ देख सकते हो कि डॉक्टर साहब ने इस बोतल के ऊपर पहले से ही एक कैप लगाया है जिसकी वजह से पानी नीचे नहीं गिर पाता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये बोतल दबाई तो पानी नीचे गिर गया। तो यारो ये तो सही है कि पानी नीचे गिर गया, लेकिन पानी कप से गायब कैसे हुआ? तो इसका सीधा सा आंसर है स्पंज की वजह से। यस गाइस, इस कप के नीचे एक स्पंज लगाया हुआ है जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी वजह से डॉक्टर साहब ने ये मैजिक इतनी बढ़िया तरीके से करके दिखा दिया। नंबर टू। That glass bottle right out of the bag. I honestly don't know how it happens. All right, guys, there we go. I think that looked pretty good. वैसे क्या आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द मैजिक जो आप सॉलिड चीजों के साथ देखते हो वो सॉलिड होती ही नहीं है। लाइक बॉल, बॉटल और फुटबॉल, ये चीजें सॉलिड की बनी ही नहीं होती हैं। ये एक्चुअली में रबर होता है जिसकी वजह से फेमस मैजिशियन इसे दबा सकते हैं और आसानी से अपना मैजिक परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर थ्री। तो यारो इतने सारे विदेशी मैजिक के बाद अब हम बात करते हैं इंडियन मैजिक की। सबसे पहले तो आप इस जादू को देखो। सबसे पहले ये जादूगर इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए अपनी एक खाली टोकरी लोगों को दिखाता है और फिर उसे आराम से नीचे रख देता है। फिर वो मैजिशियन एक रोप लेता है और ऑडियंस को कंफर्म करता है कि ये खाली रोप है, और फिर उसी रस्सी को वो उस टोकरी के अंदर डाल देता है। और जैसे ही जादूगर कुछ जादू करता है और अपनी बीन बजाता है तो वो रस्सी कुछ ऐसी बन जाती है। ये रस्सी इतनी ज्यादा मजबूत बन जाती है कि लोग आसानी से इसमें चढ़ पाते हैं। इस मैजिक ट्रिक को देखने के बाद आप लोग सच में बहुत ज्यादा हैरान हुए होंगे। लेकिन यार ये बेसिकली कोई जादू नहीं बल्कि एक सिस्टम का कमाल है। दरअसल इस मैजिक के सिस्टम में एक इंटरनल प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसके अंदर जादूगर का एक और असिस्टेंट होता है, और वो असिस्टेंट अंदर से एक रॉड की लकड़ी को ऊपर ऐसे करके दिखाता है जिसकी वजह से हम सब लोग हैरान हो जाते हैं। और एक्चुअली में ये सिस्टम को इतनी तगड़ी तरीके से बनाते हैं कि हम लोग पहली बार देखने में हैरान हो जाते हैं। नंबर फोर। अब यारो कुछ जादूगर ऐसे भी होते हैं जो लेट्स स्टार्ट दिस मैजिक। पहली बार किसी जादू में हम आंख नहीं बंद करवा रहे हैं, जो होगा सर के सामने होगा, दिशु भाई के सामने होगा। दिशु भाई एक बार प्लीज सबको दिखा दीजिए, हाथ टाइट बंधे हैं, निकालने की कोशिश कीजिए। इतना आंख बंद वाला मैजिक ऑन अ काउंट ऑफ 3 2 1। तो यारो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको भी ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और रोजाना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।